अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है श्री गिरफान, आप देख रहे हो एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। लोग जो है अपनी डिमांड लेकर पुलिस प्रशासन के पास बैठे हुए थे। पुलिस प्रशासन को हॉकर्स यूनियन की जानिब से ये कहा गया कि औरंगाबाद में जब लॉकडाउन लगने वाला था उस वक्त तो वहाँ के प्रशासन ने खुद यानी महसूल विभाग ने और पुलिस प्रशासन ने खुद यानी अपने आप को पुढ़ाकार लेकर आगे आकर एक रिपोर्ट जो है वह महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी थी कि ये जो इलाका है, ये जो शहर है, यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने वाले लोग हैं, डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं, अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो जो रिक्शा चालक लोग हैं, जो फेरी लगाने वाले लोग हैं, जो सब्जी और फ्रूट का धंधा करते हैं, जो कपड़ों का धंधा करते हैं, जो दूसरी सर्विसेज का धंधा करते हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं, यहाँ पर लॉकडाउन किसी भी तरीके का मुमकिन नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी जानिब से कुछ कमी ज़्यादती कर इनको दुकान खुलने की इजाज़त दे और रोज़ाना धंधा करने की इजाज़त दे। तो हमारे जो हॉकर्स बिरादरान हैं उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से औरंगाबाद तर्ज पर काम करने की गुजारिश की कि यहाँ की पुलिस प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार है, अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ने का यहाँ पर खदशा है। और माजी में भी जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसके बाद से शहर में जो है जो जरायम के जो है रेशो बढ़ चुका था। अगर लॉकडाउन इन त्यौहार के हालात में लगता है तो शहर की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। इसलिए पुलिस प्रशासन खुद अपनी जानिब से है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे कि मालेगांव शहर जो है मेहनत कशों का शहर है, रोज़ कमाने, रोज़ काम करने और रोज़ कमाने वाले और रोज़ खाने वालों का शहर है, यहाँ पर किसी भी तरीके का लॉकडाउन मुमकिन नहीं है। हम किसी भी तरीके के लॉकडाउन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो फौरन से पेशतर जो है आप ये रिपोर्ट भेजें। और जो हमारे हॉकर्स यूनियन है, हमारे जब पुलिस का जो ऊपर गवर्नमेंट तक जब तक कोऑर्डिनेट नहीं होता तब तक ही हम ये यहाँ पर इनका सहयोग करने वाले हैं। उसके बाद हम रुक नहीं सकते कि यहाँ पर मौजूद तमाम ही हॉकर्स जो है बिरादरान का बोलना है कि आगे के हालात हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। जल्द से जल्द है यहाँ पर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर लॉकडाउन को जो है ख़त्म करना चाहिए। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस प्रशासन ने हमें ये आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्द हम हमारी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेजेंगे और 2-3 दिन के अंदर उस पर रिप्लाई मंगाएंगे। और यहाँ पर जो आवाम चाहती है, यहाँ पर जो धंधा करने वाले चाहते हैं, यहाँ के जो मेहनतकश लोग चाहते हैं, उस तरीके की हम लोग गाइडलाइंस गवर्नमेंट से मंजूर करवाने की पूरी कोशिश करें। तब तक आप 2-3 दिन उनको सहयोग देने के लिए तैयार हो? हमने भी पुलिस प्रशासन को यही बोला कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा है आप लोगों की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है हालात को नियंत्रण रखने में। इसलिए हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए जब तक ये बात अगर 2-3 रोज तक में आप करते हैं तो हम आपका बराबर यहाँ पर साथ देंगे, और अगर मजीद आप इसको डिले करते हैं, लेट करते हैं, तो हालात बिगड़ने की जो है कि यहाँ पर संभावना ज़्यादा है। और हालात बिगड़े तो फिर जो प्रशासन को हमने इन्फॉर्म किया वो प्रशासन इसका जिम्मेदार है। धन्यवाद।